चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, राजेश मसाले। सुख समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाएं किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। अयोध्या के सूर्यकुंड पर हुई किसानों की महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन ने आयोजित की किसान महापंचायत, केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल का हुआ विरोध, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट में अधिग्रहित हो रही जमीन को लेकर आंदोलित हुई भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान का बयान, केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल का यूनियन कर रही विरोध किसानों के हित में नहीं है। कृषि बिल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट में किसानों की जा रही जमीन पर किसानों को नहीं मिल रहा उचित मुआवजा। किसान यूनियन की मांग, किसानों को मिले उचित मुआवजा, उसके परिवार को मिले भरण पोषण के लिए नौकरी या किसान महापंचायत अभी ट्रेलर। किसानों के हितों को लेकर महात्मा टिकैत का था नारा, तंग आए तो जंग आए। किसानों को किया गया परेशान तो सरकार को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। सरकार को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब, उचित मुआवजा न मिलने पर जमीन पर नहीं करने देंगे कब्जा। जमीन को लेकर करेंगे आंदोलन, उसी जमीन पर करेंगे आत्महत्या। राजेश सिंह चौहान ने कही ये बात। मोहम्मद जसीम की रिपोर्ट। अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम जमीन में कब्जा नहीं लेने देंगे। अगर मुआवजा नहीं देती सरकार तो हम जमीनों में कब्जा लेने देंगे। हम उसी जमीन पे आत्महत्या करेंगे या बैठेंगे या इनके काम को रुकवाएंगे। जितनी हमारे पास शक्ति होगी सारी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और पूरे देश का संगठन फैजाबाद के लोगों के साथ है और रहेगा। गरीब की लड़ाई है। बोले दो एक मिनट यार, बोले दो। किसान आए हैं ज्ञापन देने, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उन्हीं के बारे में तो बोल रहा हूँ जो मैंने कहा। चाहे कहीं भी जमीन ली जाए, चाहे श्री राम जी के नाम पे जमीन ली जाए, चाहे एयरपोर्ट के नाम पे जगह ली जाए, चाहे और किसी योजना के लिए जमीन ली जाए, हमको मुआवजा दिया जाए और उन जगहों पे हमारे बच्चों को सर्विस दिया जाए, काम दिया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो यहां से लेके और लखनऊ तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, हर स्तर पे लड़ेंगे। ये पंचायत करने का उद्देश्य क्या है आज? पंचायत करने का उद्देश्य एक ही है कि जब किसान कहीं ना कहीं तंग किया जाता, परेशान किया जाता है, संविधान के कानून की उल्लंघन किया जाता है, वहां भारतीय किसान यूनियन का ये धर्म बनता है। बाबा टिकैत का ये निर्देश था, जहां भी कानून को तोड़ करके किसान को परेशान किया जाए वहां संगठन खड़ा हो, इसलिए आज इस पंचायत का आयोजन किया। यहाँ पे कुछ किसान है जिसकी जमीन जो है एयरपोर्ट के नाम पे जो है ली जा रही है, कहीं पे दुगना दिया जा रहा है, कहीं उसका आधा दिया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? यही सुनकर के, इसी परेशानी को देख करके आज का पंचायत का आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्देश किया है कि यहां के गांवों का बंदोबस्त कर लिया जाए, इनका सर्कुलेट निर्धारित कर लिया जाए और उसके आधार पर फिर इनकी जमीन ली जाए, तो सरकार संविधान से चलेगी कि अपनी मनमानी से चलेगी? हमारा काम केवल एक ही है कि सरकार जब पटरी से उतरेगी तो उसको पटरी पर लाने का काम करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेगी तो संविधान का पाठ पढ़ाने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा कि किसान बर्बाद हो जाए, उजड़ जाए, रोजी रोटी चली जाए, भूखों मरे। इस नाम पर विकास स्वीकार नहीं है। विकास के हम लोग फिर दोहराना चाहते हैं कि हम लोग समर्थक हैं, लेकिन विकास के नाम पर किसान का विनाश कर दिया जाएगा ये भारतीय किसान यूनियन के रहते कतई नहीं होगा।